的部分是加到手机里的。내마음은아이들도서로주고어그런외면그순여와이기마자요부르시다는내가스무다니바다니기내가스무다니아스파니아르드니에헤리기아린다린알라기타르세메마니다니에आप दुनिया में देखिए आपके किसी रिश्तेदार ने किसी दोस्त ने किसी ताल्लुक रखने वाले ने आपको दावत दी और आपको ये मालूम है कि मेरे जिस रिश्तेदार ने जिस ताल्लुक वाले ने दावत की है उसको फुला निवास पसंद है और फुला निवास पसंद नहीं है आप चाहते हैं कि दावत में मेरा मेजबान उससे खुश हो जाए उससे नाराज न हो तो आप खुद गौर करें कि कौन सा लिबास पहनना आप पसंद करेंगे वो लिबास पहनना पसंद करेंगे जिससे आपके दावत देने वाले मेजबान ना खुश हो नाराज हो क्या वो लिबास पहनना पसंद करेंगे जिससे आपका दावत देने वाला मेजबान खुश हो जाए जब उसने मोहब्बत से दावत दी है तो दावत देने वाला आपका बहुत बड़ा है तो यकीन आप इस बात का ख्याल करेंगे कि मैं उसके दर पर उसके घर पर ऐसे लिबास में जाऊं जिस लिबास से उसको खुशी हो तो ईद का दिन हम ताला शान की तरफ से मेहमानी कर रहे हैं अल्लाह ताला ने हमें मेहमान बनाया है और खुद मेजबान है जब मेहमान बनाए और मेजबान है तो आप यकीन मानिए कि हमें ईद के दिन कौन सा लिबास पहनना चाहिए वो लिबास पहनना चाहिए जिससे अल्लाह ताला खुश हो या वो लिबास पहनना चाहिए जो अल्लाह के दुश्मनों का लिबास हो लिहाजा हर मर्द और हर माँ बहने ईद के दिन में मेहमानी के दिन में इस बात का जरूर ख्याल और लिहाज रखे हम ईद के दिन ऐसा लिबास पहनेंगे अपनी औलाद को ऐसा लिबास पहनाएंगे जो लिबास हम ताला शाहू को पसंद है और ऐसे लिबास से बचेंगे जिस लिबास को अल्लाह ताला शाहू पसंद नहीं फरमाते शर्म हया वाला लिबास होगा हम ताला शाहू से आगे होंगे बेहयाई का बेपर्दगी का बेशर्मी का लिबास होगा ताला शानू से नाराज होंगे इसके बाद ईद के दिन दूसरी अहम चीज है बहुत सारे घरों में करीबी दिनों में इंतकाल हुआ है कहीं वालिद का कहीं वालिदा का कहीं भाई का कहीं भाई का जब रिश्तेदार इंतकाल करते हैं तो दोस्त अहबाब को रिश्तेदारों को गम भी होता है और शरीयत इस्लाम की ये फितरत है उसने फितरत का लिहाज रखा है लिहाजा एक घर में रहते हुए गम करने की इजाजत भी दी है लेकिन गम के सिलसिले में शरीयत की तालीम ये है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल करता है तो औरत के लिए चार महीने दस दिन तक सौ मनाना जरूरी है लिहाजा वो इन अयाम में न अच्छा लिबास पहनेगी न सेवा रंग पहनेगी चाहे खानदान की किसी की शादी का मौका आ जाए चाहे ईद का मौका आ जाए आम जो लिबास है वो लिबास पहनेगी लेकिन इसके अलावा यानी शौहर के अलावा किसी और का इंतकाल हुआ चाहे वो इंतकाल करने वाले वालिदैन हो चाहे भाई बहन हो चाहे वो इंतकाल करने वाली बीवी हो चाहे वो इंतकाल करने वाली औलाद हो दूसरे किसी के लिए तीन दिन से ज्यादा शौक मनाना जायज नहीं और तीन दिन की वाजिब नहीं है तीन दिन से शौक मनाना कोई जरूरी और वाजिब नहीं है लेकिन तीन दिन से ज्यादा शौक मनाना ये जायज नहीं लिहाजा अगर हमारे घरों में हमारे रिश्तेदारों में हमारे मुताल्लिकीन में किसी का इंतकाल हुआ है
और जिस तरह हर ईद के मौके पर हम अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खुशी का शरीयत के हुदूद में रहते हुए इजहार करते हैं, इन दिनों में भी यही करना है। आमतौर पर मुआशरे में यह गलत ही है कि जो इस तरह करीब में इंतकाल हो जाता है, चाहे रजब में, चाहे शाबान में, चाहे रमजान में, 3 दिन नहीं बल्कि 10 दिन हो गए, वो ये कहेगा कि हमारे घर में हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है, वालिदा का इंतकाल हो गया है, भाई बहन का इंतकाल हो गया है, रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, लिहाजा इस ईद को हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, जेवरात नहीं पहनेंगे, मेहंदी वगैरह नहीं लगाएंगे। यानी शरीयत ने जहाँ तक सैब व जीनत की और आराइश की इजाजत दी है, हम उसको छोड़ेंगे, ये सही नहीं। अल्लाह ने नेमत दी है, 3 दिन गुजर चुके हैं, आप अच्छे से अच्छा लिबास पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे से अच्छी सैब व जीनत शरीयत के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। इस मौके पर एक रस्म यह है कि वो घर वाले जहाँ इंतकाल हुआ है वो तो खानों का शौक मनाए चले जा रहे हैं, और रिश्तेदार अपने यहाँ से खाना बनाकर वहाँ भेजते हैं, और खास करके ईद के दिन वहाँ जाते हैं, और जाने के बाद वो तो अपने मुर्दे को भूल चुके हैं, लेकिन ये वहाँ जाने के बाद नौबा करते हैं, याद दिलाते हैं, रोते हैं, वो कि मालूम की मजलिस करते हैं, ये जायज़ नहीं। लेकिन शौक बनाना और जो अपने मुर्दे का गम भूल चुका है उसको खूबियां बयान करके ताजा करना, और जो बिचारी औरत और घर वाले गोरों के तक गए हैं उसको दोबारा बुलाना, शरीयत इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कतन ऐसी चीज करना भी नहीं चाहिए, इसको भी छोड़ना चाहिए। एक बहुत अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलानी है, इम्कान यह है कि रमजान के 3 दिन 30 दिन पूरे हो, और इस एतबार से हमारा ईद का दिन मंगल का हो, और आप जानते हैं इतवार का दिन और मंगल का दिन जैसे ही ईद का पड़ा है, मंगल का दिन इतवार का दिन और ईद का दिन घबराहट का दिन भी है, डुमस का दिन भी है, और 2-4 साल ऐसे गुजरे हैं कि ईद हमारी लॉकडाउन में गुजरी है, न कहीं हम निकल सके हैं, न कहीं हम जा सके हैं। बहुत शानदार बुनियादी मौका है कि ईद शायद मंगल को हो और घबराहट का दिन भी हो, लिहाजा प्रोग्राम बनाया जाए, ईद की नमाज के बाद या ईद के दिन जोहर के बाद हम अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ घबराहट का प्रोग्राम बनाएंगे, शहर वाले मुमस का प्रोग्राम बनाएंगे, अजीरा का प्रोग्राम बनाएंगे, जहां पिकनिक की मंजिल है वहां जाएंगे। मेरी माँ बहनों से और मेरे भाइयों से बहुत दर्द दिल से ये दरख्वास्त है, हमें मालूम होना चाहिए बेहयाई, बेवर्दगी की, बेशर्मी शरीयत ने किसी जगह इसको जारी नहीं रखा है। यही का क्या कम था कि हमारी माँ बहन बहू बेटियां खुद अपने वतन में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में ईद की खुशी के मौके पर सारी बेहयाई को अंजाम देती है, सारी बेवर्दगी को अंजाम देती है, सर पर लिबास पहनकर मर्दों से मिलती है, रिश्तेदारों से मिलती है, और जहालत की इंतहाई है कि गैर महरम करीबी रिश्तेदार से मुलाकात करती है। ये तो बिल्कुल बेहयाई की और बेशर्मी की और आम बात है, ये इस तरह अजनबी है या महरम नहीं है, गैर महरम है। गैर महरम वो रिश्तेदार है जिससे मर्द का औरत से निकाह करना जायज है, चाहे वो खाला की बेटियां हो, चाहे वो फूफी की बेटियां हो, चाहे वो मामू की बेटियां हो, चाहे वो चचा की बेटियां हो, ये सब गैर महरम है। ईद के मौके पर इन गैर महरमों से मिलना, उनसे मुलाकात करना, उनसे ठट्ठा करना, उनसे हंसी मजाक करना शरीयत इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें तो इस बात का ख्याल रखना है कि आज अल्लाह की तरफ से हम मेहमान हैं,
आज हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा मेजबान हमसे नाराज हो जाए। आज तो हमें वो काम करना है कि जिस खुदा ने हमें मेहमान बनाया है वो मेजबान हमारे हर काम से हमें मुश्किल से खुश है। लिहाजा अल्लाह के लिए बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि न कोई भाई, न कोई बहन, न कोई फैमिली हर घर के लिए प्रोग्राम न बनाए कि इस ईद के मौके पर बहुत अच्छा मौका है, जो मंगल का दिन है हम ईद के ईद की नमाज के बाद या दोपहर की नमाज के बाद बुराट का प्रोग्राम बनाएंगे। बाद में बुराट का प्रोग्राम क्या होता है? बुराट का प्रोग्राम ये होता है कि हमारे जो असल को दुश्मन है नफ्स और शैतान, शैतान को तो अल्लाह ने रमजान में कैद कर दिया था लेकिन नफ्स की शरारतें बाकी थी। जैसे ही चांद होगा ये शैतान निकलेगा और शैतान नफ्सों को आमादा करेगा कि 30 दिन तक हमसे बहुत मुकाबला किया है इस मामले में, हमारी बहुत हमारी बात को माना नहीं है, हमारी मनमानी चलने नहीं दी है, तिलावत भी की है, रोजे भी रखे हैं, नमाजें भी पढ़ी है, तौबा इस्तगफार भी किया है, दुआएं भी की हैं और अपने रब को राजी कर लिया है। खुशी का मौका है, एक दिन में ऐसा दाव चला कि 30 दिन का किया हुआ एक घंटे में साफ हो जाए। लिहाजा शैतान नफ्स शैतान को आमादा करता है और शैतान की प्लान बनाता है कि इसके लिए बहुत अच्छी बात है मोबाइल का जमाना है, गलत नाजायज तालुकात का जमाना है, इश्क का जमाना है। लिहाजा हर नौजवान मर्द अपने माशूक से, हर नौजवान औरत अपने आशिक से इस तरह रब्ता करे कि ईद का मौका है, इतने बजे हम घराट पहुंचेंगे, इतने बजे हम गुरबस पहुंचेंगे, इतने बजे हम पूरा पार्क में पहुंचेंगे, इतने बजे आप भी आ जाए। फिर वहां जाकर वो तमाशा, वो बेहयाई, वो अय्याशी अरमान हो जाएगी। ये तो शैतान का मंसूबा है और इस मंसूबे के तहत 30 दिन की इबादत, 30 दिन की हलावत, 30 दिन का जो वकार, 30 दिन का जो पावर, इन सब को फौरन खत्म करने के लिए ये घरवा है कि बस्ती से बाहर निकालें। बस्ती में अगर बेहयाई की तो बस्ती वाले देखेंगे, कुछ अच्छे खानदान के लोग देखेंगे, कुछ अच्छे इल्म देखेंगे, शर्म महसूस होगी, वो लोग तो ऐसे अड्डे पर आने वाले नहीं है, वहां पर तो हमारे जैसे ही घूमने फिरने वाले, अय्याशी करने वाले, सीना को फरोख देने वाले, बेहयाई को आम करने वाले, माँ बहनों की इज्जत का सौदा करने वाले, माँ बहनों की इज्जत को लुटाने वाले ऐसे ही जमा होंगे, वहां सबको जमा करो। लिहाजा शैतान ये चौंसले तैयार करता है, ये तदबीरें अख्तियार करता है और हमारी माँ बहनों को और हमारे भाइयों को और हमारी फैमिली को तैयार करता है और तैयार करने के बाद ऐसी पिकनिक की जगहों पर ले जाता है। वहां जाने के बाद क्या होता है? वहां जाने के बाद पहले समंदर के करीब तैरते हैं, नगरवादी होती है, बलदिया होती है, फिर इसके बाद समंदर के अंदर जाते हैं, फिर समंदर के अंदर जाने के बाद जितनी बेहयाई है, जितनी अय्याशी है वो सब कर गुजरते हैं। यानी मोमिन के आंख पर और पर कवर ऐसा पड़ता पड़ता है, ऐसा पड़ता पड़ता है कि वो भूल जाता है कि जब रमजान का तब तक अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया था, तब तक अल्लाह को राजी करने वाले थे, एक ही लम्हे में, एक ही आन में, एक ही घंटे में वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मेहरबानी से इतना दूर होता है, इतना दूर होता है कि आज तक जो रहमत के तरह था वो गजब के तरह आ जाता है, अल्लाह की नाराजगी के तरह आ जाता है। और बार मरतबा इसमें ऐसे हादसा पैदा होते हैं कि यही लड़का लड़की पानी में गर्क हो जाता है, डूब जाता है और उसकी मौत बाबर हो जाती है। डरने की चीज है कि जिस मकाम पर अल्लाह को राजी करना था उस मकाम पर अल्लाह को नाराज किया, बस्ती में इतना नाराज किया कि हमारा दिल नहीं भरा, तो बस्ती से निकल कर हम दरिया के किनारे पर पहुंचे, समंदर के किनारे पर पहुंचे और बेहया बेहयाई के बाजार को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, अल्लाह की अल्लाह का गजब ऐसा जोश में आया कि अल्लाह ने उन्हें बर्बाद कर दिया। मेरे भाई जरा सोचने की बात है, हम अपनी बहन बहू बेटियों को ले जाकर
किस्मत बागवानी की हिफाजत करते हैं या उनकी हिफत के सौदे करते हैं, उनकी हिफत का नीलाम करते हैं, उनकी बागवानी को बरसरे बाजार बेचते हैं और उनकी बेहयाई में और ज्यादा फर्क देते हैं। और जो आशिकों माशूक के इश्के इश्क की जो बाजार है और इश्क की जो रवाबित है, इन रवाबित में इन नजदीकी बेटों को इन नजदीकी बेटियों से मिलाने वाले हम है ये कोई और था। इसलिए मैं अपने भाइयों से, मैं अपनी माओ से, मैं अपने घर के वड़ियों से इस सिलसिले में बहुत दर्द दिल से याद करूंगा। हर किस ऐसा निजाम और ऐसा प्रोग्राम न बनाए, और अगर गलती से बना लिया है तो इस प्रोग्राम को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, तोड़ दे, और ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह कभी भी ऐसा निजाम नहीं बनाएंगे कि अपनी बहू बेटियों को दर कबर के लिबास में बेपर्दगी के साथ खुली हुई गाड़ियों की इस तरह ले जाएंगे और बेहयाई का बाजार गर्म करेंगे और शैतान को खुश होने का और अल्लाह को नाराज होने का मौका खराब करेंगे। इस चीज की तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। कभी ऐसा होता है ईद का दिन तो शराबत के साथ गुजरता है, लेकिन ईद के दूसरे दिन जिसको बासी कहा जाता है, आमतौर पर ये निजाम उस दिन बनाया जाता है। पहला दिन तो ईद का है, हर दिन भी टोपी कपड़ी पाजामा पहनना है, औरतों भी अपने घर में रही है। अब दूसरे दिन अपनी जेबों जीन को जाहिर करने का, अपने इंसर्ट को, अपने टी शर्ट को, अपने पैंट को, अपने शो को, अपने बेहयाई को जाहिर करने का दूसरा दिन है। लिहाजा पहले दिन ये निजाम नहीं बनाते हैं, दूसरे दिन निजाम बनाते हैं कि दूसरे दिन इस तरह अपने घरों से निकलेंगे, वहां भी नहीं कहेंगे न नमाज से रहना देना, न पर्दे से रहना देना, न एहतियात की कोई बात है, न शर्मो हया का कोई काम है, बल्कि सारी खराब बातें दूसरे दिन की अंजाम दी जाती है। हालांकि हम लोग ये तीन दिन मनाते हैं, शरीयत इस्लाम में रमजान की कसम की दिन है, ईद का भी दूसरा दिन नहीं है। इसीलिए रमजान के बाद शवाल के जो छह रोजे रखे जाते हैं, दूसरे दिन से वो रोजा रखना सीखिए। तो ईद का दिन अल्लाह की मेहमानी का दिन, वो पहला दिन है, दूसरा दिन नहीं है। हम इस तरीके से गुनाह के बाजार को गर्म करके ये बतलाना चाहते हैं कि अल्लाह ने जो खुशी का दिन हमारे लिए मुकर्रर किया है, जो मेहमानी का दिन हमारे लिए मुकर्रर किया है, हमें वो पसंद नहीं, हमें तो वो पसंद है जो गुनाहों के लिए खुद तय करेंगे दूसरा दिन, और दूसरा दिन तय करने के बाद जो कुछ न करना है वो सब कुछ करेंगे, ये दूसरा दिन हमने मुकर्रर किया है। अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है, अल्लाह की दी हुई नेमत पर राजी नहीं है, और अपनी तरफ से तीसरे दिन को गुनाहों के लिए और इस तरह गुनाह के चक्करों के लिए और इस तरह सीमाओं के लिए हम आधार आवाज करते हैं, पारी करते हैं, बे इंतहा बुरी और बे इंतहा बेहयाई की बात है। तीसरी बात यह है कि ईद के मौके पर हर आदमी को सदकतुल फित्र अदा करना चाहिए। जो आदमी शरीयत की निगाह में साहिब निसाब मालदार है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, जिस पर सदात फर्ज है, थोड़ा बहुत निसाब में पड़ता है, एक आदमी के पास ईद उल फितर के दिन सुबह साहिब से पहले इतने पैसे आ गए कि वो अपनी जरूरत से जायद हो और 52.5 तोला चांदी करीब से खरीद सके, जैसे आजकल उसका हिसाब होता है 40,000 रुपए के करीब। अगर 40,000 रुपए का मालिक बन गया, न उसके ऊपर खर्चा है और उसकी जरूरत से जायद है, चाहे उस पर साल पूरा हुआ हो चाहे साल पूरा न हुआ हो, ऐसे आदमी पर सदकतुल फित्र वाजिब है। सदकतुल फित्र क्या है? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की तौफीक से रोजे रखे हैं, लेकिन रोजे के रखने का जो हक है, उस हक के साथ रोजा रखना हमारी खुशी है। कुछ न कुछ कोताहियां, कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, उस कोताही और गलती की तराकी के लिए सदकतुल फित्र है। आदमी सदकतुल फित्र अदा करता है रमजान में, दानिस्ता ना दानिस्ता रोजे के हुकूक में जो कमियां हुई है, रोजे की अदायगी में जो कोताहियां हुई है, अल्लाह ताला इस सदकतुल की वजह से उसको माफ कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। यानी ऐसा कहना चाहिए रमजान मुबारक
सदकतुल फितर कितना खर्च करना चाहिए, कब अदा करना चाहिए। आमतौर पर इस जमाने तक लोग गिनू के हिसाब से सदकतुल फितर अदा करते थे, लेकिन पहले इतनी ज्यादा अमीरी और दौलत और मालदारी नहीं थी। अल्लाह ताला ने अब मालदारी भी बहुत अदा फरमाई है। लिहाजा मालदार दो किस्म के हैं, एक तो मालदार जो शरीयत की निगाह में साहिब निसाब है कि अपनी जरूरत से ज़ाइद 40,000 रुपये उसके पास है, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, ऐसे आदमी तो गेहूं के हिसाब से सदकतुल फितर अदा करते 60 रुपये या 70 रुपये एक आदमी का सदकतुल फितर बनता है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दौलत अदा फरमाई है, जो बहुत बड़े मालदार और अमीर है, उनके लिए बेहतर ये है कि वो खजूर के हिसाब से, जव के हिसाब से या किशमिश के हिसाब से वो सदकतुल फितर अदा करें। आधा से आधा ये है किशमिश का भाव, किशमिश के एतबार से 1295 रुपए यानी 1300 रुपए ही सदकतुल फितर बनता है। अगर बहुत आधा किस्म का मालदार आदमी है, लखपति है, करोड़पति है, तो उनको चाहिए कि हर आदमी का एक एक का 1295 रुपए के एतबार से सदकतुल फितर अदा करे। खजूर का अदा करता है खजूर से तो भी तकरीबन 1100 रुपए बन जाता है, 1100 रुपए के एतबार से अदा करे। और आम लोग हैं तो 60 रुपए 70 रुपए के एतबार से अदा करें। जिन पर वाजिब है उनको तो अदा करना जरूरी है, अपनी तरफ से अदा करें, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें। और अगर अपने घर में जितनी फैमिली है, अपनी बीवी है, बेटा है, बेटी है, वालिद है, नाबालिग है, सबकी तरफ से बाप अदा करना चाहे तो कर सकता है। जो आदमी सब साथ में रहते हो और सबको इतना भी दे दे, मैं आपका बाप हूँ, आपकी तरफ से अदा करूंगा, सबकी तरफ से वो अदा करना चाहे कर सकता है। सदकतुल फितर का अदा करना चाहिए। सदकतुल फितर के दो मकसद है, एक मकसद तो है रोजे की कोताही की तलाफी और दूसरा मकसद है गुराबा की ईद अच्छी तरीके से गुजरे, गुराबा को ईद के दिन अपनी गुरबत का एहसास न हो। इसलिए उलमा ने लिखा है ईद की नमाज से पहले सदकतुल फितर अदा कर देना अफजल और बेहतर है। खुद हदीस का मफहूम यह है कि जिस आदमी ने ईद की नमाज से पहले सदकतुल फितर अदा किया वो सदकतुल फितर मकबूल है, और ईद की नमाज के बाद अदा किया वो सदकतुल फितर है। ये चाहे वही है लेकिन मकबूल क्या है, सदकतुल फितर ईद की नमाज से पहले। पहले जमाने में सारी चीजें तैयार की जाती थी, गरीब को ईद की नमाज में जाने से पहले दे देते थे, वो अपनी जरूरत को पूरी कर लेता था। आज ये काम ठीक है, लिहाजा ईद के दिन से कितने दिन पहले उसको दे देना चाहिए कि जिससे वो ईद की तैयारी कर सके, 4 दिन 5 दिन आखिरी अश्रे में 10 दिन पूरा रमजान रमजान भी दे सकता है, पहली पहली रमजान से दे, लेकिन कम से कम 8-10 रोज पहले तो दे देना चाहिए या 4-5 दिन पहले दे देना चाहिए ताकि गरीब को ये सदकतुल फितर की रकम पहुंच जाए और वो 4-5 दिन में अपने घर वालों का ईद का बेहतरीन इंतजाम कर सके, बीवी बच्चों के कपड़े का, खाने पीने का इंतजाम कर सके। कितना जल्द देना चाहिए, क्योंकि असल मकसद यही है कि सदकतुल फितर के जरिए से जब गरीब अपनी ईद की जरूरत को पूरी करे। ये चंद बातें थी जो अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से कहलवाई, अब ताला शान हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व अल्लाहुम्मा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह तअल्लाही व रिवाजतिही व सिरताही व बिदारतिही व आमीन। اللهم لا عرس كنا عبدا لك ولا تملك على نفسك، اللهم صل على محمد كل ما ذكر الذاكرون، وصل على محمد كل ما غفل عن ذكر الغافلون، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم اعز عافيتنا في امور كلها ولا تكلنا الى انفسنا.
صلى الله عليه وسلم.